माफी मांगेंगे खान साहब, तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे, एडवाइस करो क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, मोहम्मद इलियास साहब और फैसल हुसैन साहब आज के पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, तौहीन अदालत केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मज़ीद 7 दिन की मोहलत मिली है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी जवाब जमा कराया गया था, जिसमें उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की बजाय अपने बयान की वजाहत की, खातून जज के खिलाफ अल्फाज वापस लेने की पेशकश भी की, दरख्वास्त का काबिले समाअत ना होने का नुक्ता भी उठाया, बेंच पर उन्होंने एतराज़ भी किया और अदालत के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। अदालत ने इमरान खान के अबूरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि लीगी रहनुमा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़े। तौहीन अदालत बहुत संजीदा मामला है, इसकी संगीनी को समझें और सोच समझ कर जवाब जमा कराएं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने रद्दअमल देते हुए कहा कि इमरान खान को दी गई ढील से पीएमएलएन से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां कौम के सामने आया हो गई हैं। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा।